नमस्कार, मंजुल रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने पूड़ी तो खाए होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए मटर की पूड़ी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इसके लिए हमने लिए है मटर। मटर को हमने छील लिया है। अब गैस पर एक पैन रखें और पैन में ऑयल डालकर ऑयल को गर्म करें। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मटर डालें और इसको ढककर रखें। मटर ठंडी हो चुकी है, अब इसको एक मिक्सर के जार में डालें और पीस कर इसका पेस्ट बनाकर तैयार करें। हमने इसमें एक हरी मिर्ची भी डाली है, या आप डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे तो ना डालें। देखिए, हमने पीस कर पेस्ट बना ली है। अब इसमें डालें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सादा मिर्च पाउडर, जीरा, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, हींग पाउडर, हरी धनिया पत्ती। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब हमने लिया है 4 से 5 कप गेहूं का आटा। इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक और अजवाइन। मोन के लिए ऑयल। ऑयल डालने से पूड़ी सॉफ्ट बनेंगी। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करें और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाकर तैयार करें। देखिए, हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। बनाकर तैयार किया था उससे लोई बनाए। इस तरह से फिंगर की हेल्प से फैलाएं और जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी उस स्टफिंग को इसमें भरें और फोल्ड करें। इस पर सूखा आटा लगाएं और इसको हल्के हाथ से दबाते हुए बेलें। ज़्यादा ना दबाएं, ज़्यादा दबाएंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। एक पैन में ऑयल रख दिया था, ऑयल गरम हो गया है। अब हमने जो पूड़ी बनाई है उसको इस ऑयल में डालें और 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। इनको पलट दें। देखिए, पूड़ी फ्राई हो चुकी है, अब इसको निकाल लें। देखिए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मटर की पूड़ी बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनी है, ये सभी को पसंद आएंगी। आप भी इस बार ठंडों में मटर की पूड़ी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।